ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पहुंचे श्रीनगर। क्या कहा, क्या बताया, जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, सब पर बात करेंगे। लेकिन ये देश की सबसे बड़ी खबर क्यों है, ये जानने के लिए 5 बरस के नज़ारे देखने होंगे। कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं 3-3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स, सभी हाउस अरेस्ट थे। हफ्तों से बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में और जमीन पर, कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। धारा 370 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। 370 के कारण जम्मू कश्मीर के आवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो, तो फिर उसके बाद भी क्या कि जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है। मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने बताया कि धारा 370 के उन सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है जिनके जरिए जम्मू कश्मीर को खास दर्जा मिलता है। जम्मू कश्मीर जानना में क्या कश्मीर में जो आतंकवाद पैदा हुआ है, उस आतंकवाद पैदा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यदि कोई था तो यह धारा 370 थी, 35(1). ट्रांसपोर्टर्स की डेलीगेशन आई, गुजर बकरवाल भाई हमारे, उनकी डेलीगेशन आई, लोकल एरियाज बठंडी बाकी इलाकों से डेलीगेशन आई, शेड्यूल कास्ट उनकी एक डेलीगेशन आई, ओबीसी की डेलीगेशन आई, फार्मर्स की डेलीगेशन आई, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलित उनकी भी अलग से आई। भारत छोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कश्मीर पहुंचे थे। दौरा अहम था क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। पीएम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित कश्मीर कार्यक्रम में पहुंचे, 6000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये खास तौर पर खेती किसानी और टूरिज्म से जुड़े हैं। यहाँ उन्होंने कौन सी खास बातें कहीं, बिंदुवार जानते हैं। जनसंघ और फिर भाजपा का नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज अपने सामने खड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम ने सबसे पहले जनसंघ के संस्थापकों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है।
अब ये सही दिशा कौन सी थी, पीएम अपने भाषण में स्पष्ट करते गए। उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कोर पोल प्रॉमिस पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और उसके बाद कश्मीर को नया कश्मीर कहा और उपलब्धियां गिनाई। पहला हमला किया कांग्रेस और घाटी के दूसरे राजनीतिक दलों पर। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकास के आंकड़े दिए, एक बिफोर आफ्टर वाली तुलना खड़ी करने की कोशिश की कि 370 से पहले तो क्या ही होता था और अब देखिए क्या क्या हो रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। पीएम ये सब कह रहे थे श्रीनगर में, जहां डल झील है। घाटी में कई और भी सुंदर झीलें हैं। यहां खिलने वाले कमल को लेकर प्रधानमंत्री ने एक चुटकी ली और भीड़ को याद दिलाया कि वो अपनी पार्टी की ब्रांडिंग को लेकर कितने गंभीर हैं। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। कश्मीर और भाजपा का जिक्र जब जब आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नारा दिया था, घावों पर मरहम लगाने की बात की थी। कश्मीर के मोदी चैप्टर की भाषा मुखर्जी और वाजपेयी दोनों से अलग है, वो इन दोनों के वारिस होते हुए भी अलग हैं। संदेश स्पष्ट, 370 अब नहीं रहा और ना होगा। अतीत को लेकर कोई असहजता केंद्र को नहीं और कीवर्ड बकौल मोदी है विकास, और विकास ही वो मरहम है जो सारी समस्याओं का समाधान उनके हिसाब से दे सकता है। राजनीति के विद्यार्थी इसके सही गलत का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल इसी लीक पर चल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली को सुपरहिट बताया और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसका देशभर में प्रचार भी किया, लेकिन घाटी के दोनों प्रमुख दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के दावों और रैली की सफलता को लेकर संतुष्ट नहीं थे। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी वाले गाड़ियों में भर भर कर लोगों को रैली में ले जा रहे थे। लिखा कि 0 से भी कम तापमान है, सुबह 5 बजे बडगाम बस स्टेशन पर सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों में भरकर पीएम की रैली में ले जाया जा रहा है। भीड़ तो तब होती थी जब वाजपेयी या मनमोहन आते थे। प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे पर विपक्ष की तरफ से और भी प्रतिक्रियाएं आई, आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोगों को खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री दो जगहों पे पहुंचे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इनके आने का, उसका हमने देखना आगे कितना वो चलता है। हमारे यहां तो मुसीबत ये हो गई है ना कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम था उसका बंद हो गया है। उन्होंने तो कहा कि वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम जब नया गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली में तब काम चलेगा, तो इतने महीने जब तक वो काम नई हुकूमत लेगी तब तक तो स्मार्ट सिटी बैठ गई। यहां आते आते हमने प्रधानमंत्री के दौरे पर गौर किया और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर। इन दोनों के दावों के बीच जम्मू कश्मीर कहां खड़ा नजर आता है, अब इस पर बात करते हैं। दो चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार गंभीर हुई, लेकिन हिंसा के भंवर से कश्मीर अभी पूरी तरह नहीं निकला। बिंदुवार समझते हैं।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को IIT IIM मिला, दोनों के परिसरों का उद्घाटन हुआ, सांबा में एम्स का भी उद्घाटन हुआ है। 2021-22 में जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,284 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। इसके बाद ये राज्य नेशनल लेवल पर शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया। कई डेडलाइन चूक चुके USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का काम भी अंतिम चरण में है। 111 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को वाजपेयी सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने इसके 48 किलोमीटर लंबे हिस्से का लोकार्पण किया। सुरंग का लेखा जोखा क्या है? ये 12 किलोमीटर और 758 मीटर लंबी है, यानी 13.5 किलोमीटर के लगभग। ट्रेन बारामूला से संगलदान तक जाने लगी है। संगलदान रामबन जिले में है, जो जम्मू संभाग में पड़ता है, यानी कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के बीच रेल लिंक स्थापित हो चुका है। अब बस एक सुरंग और एक पुल का काम बाकी है, जिसके बाद दिल्ली से श्रीनगर तक राजधानी चलने लगेगी। ललन टॉप को रेल भवन के उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली कि अगर कोई नई चुनौती ना आई तो अगस्त सितंबर 2024 में USBRL प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। रेल लिंक के साथ साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग भी अंतिम चरण में है। रामबन जिले में कुछ सुरंगों और पुलों का काम बाकी है, बाकी सड़क पर यातायात शुरू हो गया है। श्रीनगर से आगे लेह तक पूरे साल कनेक्टिविटी के लिए जोजिला और जेड मोड़ पर सुरंग का काम भी चल रहा है। जेड मोड़ का काम अंतिम चरण में है और इसकी स्केप टनल के रास्ते ठंड के मौसम में सोनमर्ग को घाटी से जोड़ दिया गया है। जल्द मुख्य सड़क भी काम करने लगेगी। जोजिला का काम डेडलाइन से आगे चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये समय सीमा से पहले पूरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंफ्रा बूम की तस्वीरें पेश करती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शांति और लोकतंत्र तीनों अलग अलग विषय हैं। गौर करिए, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। परसीमन का काम पूरा हो चुका है, पर आखिरी फैसला भी नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर 2014 में हुआ था। 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC चुनाव हुए, लेकिन पब्लिक डिमांड विधानसभा चुनाव की है। दूसरा मुद्दा है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का। 1989 और 90 में आतंकवाद के चलते घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित आज भी अलग अलग राज्यों में या जम्मू के ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, घर वापसी की राह देख रहे हैं। आज तक के सुनील भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कश्मीर के शोपिया में चौधरी गोंड नाम का गांव है। इसमें अक्टूबर 2022 में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या हुई, जिसके बाद यहां से भी 10 कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, यानी उसके बाद भी दौर चल रहा है। कश्मीर में हाल के बरसों में टारगेटेड किलिंग की भी समस्या देखी गई, इस पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आखिरी बिंदु है आतंक की समस्या का। यूटी में आतंक का पैटर्न बदला, अब पीर पंजाल के दक्षिण में घटनाएं हो रही हैं। सेना अपने तरीके से इनसे निपटने में लगी है। केंद्र की कोशिश है कि आतंक पर सख्ती और नागरिक अधिकारों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया जाए, जो समय समय पर बदलता रहता है। यदि जम्मू कश्मीर की बात, क्योंकि PM गए थे श्रीनगर, अब यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर लद्दाख की भी बात कर लेते हैं, जहां कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। मांगे क्या हैं? पहली मांग, जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी विधानसभा मिले। जब 370 हटा था तो लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दूसरी मांग, संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को आदिवासी दर्जा मिले। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहे हैं। बीते दिनों इस संगठन के कुछ प्रतिनिधि गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले थे। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपी सूत्रों के हवाले से कि अमित शाह ने साफ कर दिया कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में तो शामिल नहीं किया जा सकता, विधायिका की मांग को भी फिलहाल ठुकराया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 371 की सुरक्षा दी जा सकती है। लद्दाख के एक नेता जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने अखबार को बताया, गृहमंत्री ने कहा सरकार 80% तक नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए उनसे लद्दाख फिलहाल संतुष्ट होता नहीं दिख रहा। इसी का नतीजा है कि 7 मार्च से यहाँ प्रदर्शन और भी तेज हो गए हैं। संविधान की छठी अनुसूची का अनुच्छेद 244 उस क्षेत्र को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देता है। अगर लद्दाख इस अनुसूची में शामिल हो जाता तो वहाँ स्वायत्तता प्राप्त जिला या क्षेत्रीय परिषद बनाई जा सकती है। फिलहाल ये बॉडी संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित होती हैं। अगर लद्दाख छठी अनुसूची में आता है तो ये चुनी हुई बॉडीज होंगी जिनके पास लद्दाख के ट्राइबल मसले आएंगे, यानी आदिवासियों के फॉरेस्ट मैनेजमेंट, खेती किसानी से जुड़े मसले इस बॉडी के पास। लद्दाख की बड़ी आबादी इसी शेड्यूल ट्राइब यानी ST से आती है और इस मांग पर केंद्र सहमत नहीं है। केंद्र सरकार लद्दाख को संविधान का अनुच्छेद 371 दे सकती है। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों सहित कुल 11 राज्यों में कुछ इलाकों के लिए विशेष प्रावधान है। यह अनुच्छेद जमीन कानून उद्योग धंधे के मामले में स्थानीय लोगों के हितों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 371 का सेक्शन ए, इसमें नागालैंड के लिए खास प्रावधान है कि वहां के कुछ मामलों में संसद की कोई कार्रवाई लागू नहीं होगी। कौन से हैं ये मामले? धार्मिक और सामाजिक परंपराएं,
परंपरागत कानून नागा कानून के अनुसार दीवानी फौजदारी से जुड़े केस, जमीन और अन्य रिसोर्सेज के मालिकाना हक वगैरह, इनमें बदलाव राज्य की विधानसभा से पारित होगा। इस अनुच्छेद के मुताबिक नागालैंड में जमीन और संसाधन सरकार के नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के हैं। ये थी आज की बड़ी खबर, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया, किसने बुनाया, इस पर जानकारी देने के लिए कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक का वक्त दिया था। जानकारी 3 तारीख तक नहीं आई और अब 7 मार्च को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी ADR ने SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल कर दी है। ADR की तरफ से पेश हुए प्रशांत भूषण अर्जी में कहा, SBI ने 3 तारीख तक चुनाव आयोग को बॉन्ड्स की जानकारी नहीं दी और ये कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को हो सकती है। इस पूरे मामले की टाइमलाइन संक्षेप में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी और कहा था कि इसकी गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने SBI से कहा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड की सारी जानकारी उपलब्ध कराएं और फिर चुनाव आयोग वो जानकारी वेबसाइट पर 13 मार्च तक पब्लिश करे, यानी इस दिन देश को पता चल जाएगा कि किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को दिए। 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उसे जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया जाए और उसी पर चर्चा चल रही है। अगली सुर्खी, कानपुर देहात से। 28 फरवरी को हमीरपुर की 2 नाबालिग बहनों ने गैंगरेप के बाद घाटमपुर में कानपुर देहात में आत्महत्या कर ली थी। ये बहनें एक ईंट भट्टे में काम कर रही थी। आगे अपडेट क्या है कि इस ईंट भट्टे के ठेकेदार और उनके साथी जिन पर शराब पिलाकर बहनों के रेप का इल्ज़ाम था, उन्होंने बाद में परिवार पर प्रेशर डाला और इसीलिए इस घटना को एक हफ्ता भी नहीं बीता 6 मार्च को पीड़ित लड़कियों में से एक के, दोनों चचेरी बहनें हैं, पिता ने अपनी जान दे दी। हमीरपुर की SP दीक्षा शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है कि पीड़ित के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। ठेकेदार का परिवार समझौते का दबाव बनाता रहा और पुलिस का रुख क्या है आपके सामने है। इंडिया टुडे से जुड़े रंजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी की रात दोनों बहनों के शव परिवार वालों को मिले थे। उम्र 14 और 16 साल थी। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। ठेकेदार रामस्वरूप और उसके 2 साथियों रज्जू और संजू को गिरफ्तार भी किया गया। इस मसले पर अब राजनीति हो रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार का ये दावा कि उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों ने निशाना साधा। अगली सुर्खी में कोर्ट कचहरी से जुड़े कुछ मामलों पर बात। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है ED की अर्जी पर। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए भी कहा। इससे पहले ED CM केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है और केजरीवाल ने इन सभी को मिस कर दिया, यानी पेश नहीं हुए, गैरकानूनी बताते रहे और इसके बाद ED कोर्ट गया। ED सिर्फ दिल्ली नहीं, UP में भी एक्शन में रहा। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर 7 मार्च को रेड मारी। सुबह 6 बजे इरफान के घर टीम पहुंची। मुंबई में भी सोलंकी से जुड़े कुछ ठिकानों पर ED की स्पेशल टीम पहुंची। कानपुर में इरफान के अलावा उनके साथी हाजी वसी के घर पर भी रेड हुई। बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अगला एक्शन हुआ राजस्थान में ED का। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी ED ने सीज कर दी। इन प्रॉपर्टी में सुरेश और भूपेंद्र का मकान, फ्लैट और फैक्ट्री शामिल हैं। ED काफी समय से सुरेश ढाका की तलाश में है। राजस्थान में 24 नवंबर 2022 को सीनियर टीचर भर्ती का पेपर होना था, पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हुआ, पेपर फिर रद्द हुआ। ढाका और सारण पर आरोप है कि इन्होंने इस लीक को अंजाम दिया, यानी ये मास्टरमाइंड थे। अगली सुर्खी, देश के अलग अलग हिस्सों से लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई है। पहला अपडेट त्रिपुरा से। यहाँ मुख्य विपक्षी दल त्रिपुरा मोथा सत्तारूढ़ BJP के साथ गठबंधन में आ गया है। त्रिपुरा मोथा के 2 विधायक अनिमेश देवबर्मा और वृषकेतु देवबर्मा ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। अनिमेश इससे पहले नेता प्रतिपक्ष थे। 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा के पास 13 और BJP के पास 32 सीटें हैं। दूसरी सुर्खी, बंगाल से। 7 मार्च को संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रही BJP की महिला नेताओं को पुलिस ने रोक कर हिरासत में लिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज TMC की महिला विंग की नेताओं के साथ एक पदयात्रा में निकली और यहां जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने BJP को चुनौती दी और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। जब मणिपुर में नग्न परेड हो रही थी तब BJP वाले कहां थे, पिंटू बाबू इतना गुस्सा क्यों? ममता ने आगे यह भी बताया कि वो पिंटू बाबू का संबोधन BJP के लिए कर रही थी। एक और अपडेट, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में शामिल हो गए हैं। 5 मार्च को जज के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाओं से इस्तीफा दिया था। पद पर रहते हुए ममता सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो BJP की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।
लोकसभा चुनाव की बात आई तो अब बंगाल से यूपी आते हैं, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने घोसी लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। घोसी से अभी बीएसपी के अतुल राय सांसद हैं। ओपी राजभर की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है और हाल ही में उन्हें यूपी में मंत्री पद भी मिला। दो दिन बाद ही मंत्री जी पार्टी वालों को बताने भी लगे कि किसी भी थाने जाओ, पीला गमछा ले जाना, तुम्हारी शक्ल में दरोगा को ओपी राजभर दिखेगा। कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजाक बाजार में मिले, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। अब बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अहम बैठकों पर। बीजेपी के कोर ग्रुप की 3 दिवसीय मीटिंग 6 मार्च से शुरू हुई। इसमें दूसरी लिस्ट के नाम तय हो सकते हैं, कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग की स्थिति भी, और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और अकाली दल समेत कई दलों के नेता या उनके पैरोकार राजधानी में नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की चुनावी कार्यसमिति की बैठक 7 मार्च की शाम को तय है। खबर लिखे जाने तक इस पर और अपडेट नहीं आए थे। इस बैठक में कांग्रेस की पहली लिस्ट के नाम बाहर हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वीकेंड तक लिस्ट जारी भी हो सकती है। कांग्रेस की बैठक से इतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 मार्च को ये पहुंची राजस्थान के बांसवाड़ा में। यहां राहुल ने कांग्रेस के यूथ मैनिफेस्टो का ऐलान किया और 5 वादे किए। पहला, 30 लाख सरकारी पदों पर स्थायी नियुक्ति। दूसरा, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपये सालाना का स्टाइपेंड और अप्रेंटिसशिप। तीसरा, पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून। चौथा, जीआईजी वर्कर्स के लिए पेंशन और सोशल सिक्योरिटी। और 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप का फंड। ये था आज का ललन टॉप शो, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। जाने से पहले ये वीडियो देखिए, ये हौसले का वीडियो है। और वीडियो से पहले एक शेर सुने जाइए। जिगर मुरादाबादी कह गए हैं, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। वीडियो में आपने जिन्हें देखा वो हैं डॉक्टर गणेश बरैया। गणेश की हाइट 3 फीट है, गुजरात के रहने वाले। 2018 में MBBS के लिए अप्लाई किया, कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ने उन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि हाइट कम है, इसलिए वो इमरजेंसी केसेस हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस फैसले के खिलाफ गणेश गुजरात हाईकोर्ट गए, केस हारे, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ फैसला उनके हक में हुआ। 2019 में MBBS में दाखिला लिया और आज वो गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। यही जज्बा चाहिए जिंदगी के लिए। उस समय 2018 में MBBS के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। इसी प्रेरक कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।